हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर और प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। इसे आप जेंट्स स्वेटर, मफलर, लेडीज़ कार्डियन, कोटी, बेबी स्वेटर, बेबी ब्लैंकेट आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये 8 सिलाई का पैटर्न है और इसे बनाने के लिए फंदे 10 के मल्टीपल में प्लस 7 फंदा एक्स्ट्रा लेनी है। तो चलिए मैं इसे बनाती हूँ। यहाँ पर हम 10 के मल्टीपल में 20 प्लस 7 फंदा, तो 27 फंदा लिए हैं। स्टार्टिंग का 2 सिलाई बेस सिलाई बना करके कंप्लीट करेंगे। तो ये फर्स्ट सिलाई सीधी साइड है, तो इस सिलाई में देखिए पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपनी साइड करके 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5, धागा पीछे करके 5 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5, अब इसी को रिपीट करना है। 5 फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 5, फिर से 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, लास्ट में एक फंदा बचा है तो इसे सीधा बुन लेंगे। 2nd सिलाई उल्टा साइड है तो पूरी सिलाई उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। स्टार्टिंग का 2 बेसिक सिलाई बुन करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से डिजाइन का फर्स्ट सिलाई स्टार्ट होगा। तो ये फर्स्ट सिलाई सीधी साइड में देखिए पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने साइड करके 5 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5, जो फंदा उल्टा बुना हुआ है उसे हम उल्टा बुनेंगे। उसके बाद धागा पीछे करके, यहाँ पर देखिए 5 सीधा फंदा है, तो बीच वाले फंदा के नीचे से हम एक फंदा बना लेंगे। देखिए ये फर्स्ट नहीं, सेकेंड होल से एक सीधा फंदा बना लेंगे। ऐसे हम ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, ना ही लूज रखेंगे। देखिए इस तरह से हमें रखनी है। उसके बाद 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4, फिर से हम यहाँ पर सेम होल से एक सीधा फंदा बना लेंगे। देखिए एक एक्स्ट्रा फंदा। उसके बाद ये सीधा फंदा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपने साइड करके 5 फंदा उल्टा। धागा पीछे करके फिर से हमें इसी तरीके से डिजाइन बनानी है। बीच वाले फंदे के नीचे से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। उसके बाद 4 फंदा सीधा। फिर से सेम होल से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। वन फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 1st का एक फंदा सीधा बुन लेंगे। सेकेंड सिलाई उल्टा साइड में जो एक्स्ट्रा फंदा बनाए हैं उसे बिना बुने हुए उतारेंगे, बाकी फंदा को उल्टा बुन लेंगे। देखिए
ये एक्स्ट्रा फंदा है, जैसे बिना बुने हुए उतार लेंगे। यहाँ पर फिर फंदा उल्टा, फिर से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंदा है जिसे बिना बुने हुए उतारेंगे, बाकी फंदा को उल्टा बुन लेंगे। एक्स्ट्रा फंदा बिना बुने हुए उतारेंगे। उसके बाद फोर फंदा उल्टा, एक्स्ट्रा फंदा को बिना बुने हुए उतारेंगे, लास्ट का सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। थर्ड सिलाई सीधी साइड है, तो इस सिलाई में देखिए पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद धागा अपने साइड करके फाइव फंदा उल्टा, यहाँ पर देखिए एक एक्स्ट्रा फंदा है तो इसे पहले हम पलट लेंगे इस तरह से, उसके बाद दो फंदा एक साथ लेकर के सीधा बुनेंगे, थ्री फंदा सीधा, फिर से ये एक्स्ट्रा फंदा को पहले हम पलट लेंगे, उसके बाद दो फंदा एक साथ लेकर के सीधा बुन देंगे। फाइव फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे करके ये एक्स्ट्रा फंदा को पहले हम पलट लेंगे, उसके बाद दो फंदा एक साथ लेकर के सीधा बुन देंगे, थ्री फंदा सीधा, एक्स्ट्रा फंदा को पलट लेंगे, उसके बाद दो फंदा एक साथ लेकर के सीधा बुन देंगे। फाइव फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फोर्थ सिलाई उल्टा साइड है तो सभी फंदा को उल्टा बुन लेंगे। अब फिफ्थ सिलाई सीधी साइड है तो पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद फाइव फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, अब देखिए यहां पर सेम होल से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। तरह से थ्री फंदा सीधा, फाइव फंदा उल्टा, धागा पीछे करके ये सीधा फंदा है तो दो फंदा पहले सीधा बुनेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस होल से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे, इसे हम घींच के इस तरह से सीधा रखेंगे जिससे ना तो ये ज़्यादा लूज रहे ना ही टाइट, इस तरह से। उसके बाद थ्री फंदा सीधा, फाइव फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदा सीधा बुनेंगे। सिक्स सिलाई उल्टा साइड है तो जो एक्स्ट्रा फंदा बना है उसे बिना बुने हुए उतारेंगे, बाकी फंदा को उल्टा बुन लेंगे।
देखिए ये एक्स्ट्रा फंदा है, इसे बिना बुने हुए उतारेंगे। फिर से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंदा है, इसे बिना बुने हुए उतार लेंगे। लास्ट का सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब 7 सिलाई सीधी साइड में देखिए, पहला फंदा सीधा उतार लेंगे, उसके बाद 5 फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फंदा है, इसे पहले हम पलट लेंगे, उसके बाद दो फंदा को एक साथ लेकर के सीधा बुन देंगे, दो फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा। एक्स्ट्रा फंदा को पहले पलट लेंगे, उसके बाद दो फंदा एक साथ लेकर के सीधा बुन देंगे, दो फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, लास्ट में एक फंदा है, इसे सीधा बुनेंगे। एट सिलाई उल्टा साइड है, तो देखिए बीच का सीधा फंदा है, तो इससे पहले हम 8 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए पहला फंदा उल्टा उतार लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदा उल्टा बुनने के बाद ये देखिए बीच का सीधा फंदा है, इसमें बबल्स बनाएंगे। देखिए ये एक फंदा में हम 7 फंदा बनाएंगे, इस तरह से 1 उल्टा बुन करके 1 फंदा बना लिए। धागा को सिलाई पर घुमाएंगे, 2, फिर से सेम फंदा को उल्टा बुनेंगे, 3, धागा सिलाई पर घुमाएंगे, 4, इसे हम उल्टा बुन लेंगे, 5, धागा सिलाई पर घुमाएंगे, 6, फिर से हम इसे उल्टा बुनेंगे, 7, यहाँ पर 7 फंदा बना लिए हैं। अब ये 7 फंदा को हम लेफ्ट सिलाई पर ले लेंगे। तरह से उसके बाद सभी फंदा को एक साथ लेकर के उल्टा बुन देंगे। देखिए ये बबल सब बन जाएगा। उसके बाद एक उल्टा फंदा को हम थोड़ा टाइट बुनेंगे, जिससे कि बबल्स सीधी साइड ही रहे। देखिए फंदा को थोड़ा सा टाइट इस तरह से बुनेंगे, उसके बाद आगे 8 फंदा उल्टा, फिर से ये देखिए सीधा फंदा है बीच का। अब इस एक फंदा में यहाँ पर बबल्स बनानी है इस तरीके से, तब हम 7 फंदा बना लेंगे एक फंदा से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7
अब सभी फंदा को एक साथ लेकर के उल्टा बुन देंगे। लास्ट का सभी फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए 8 सिलाई में ये डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। अब इस डिजाइन को हम यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा, तो 9 सिलाई सीधी साइड फर्स्ट सिलाई के जैसा ही बनेगा, बस ये जगह चेंज होगा, बाकी सेम इसी तरीके से बनानी है। देखिए पहला फंदा सीधा उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 उल्टा फंदा है, तो बीच के फंदा के नीचे से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे तरह से। उसके बाद 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4। फिर से हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे इस सेम होल से। एक फंदा सीधा, अब जहां पर डिजाइन बनाते थे वो फंदा को उल्टा बुनेंगे, तो यहाँ 5 फंदा उल्टा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से देखिए ये 5 उल्टा फंदा है, तो ये बीच के फंदा के नीचे से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। 4 फंदा सीधा, फिर सेम होल से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। वन फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, 5 उल्टा फंदा है, तो यहाँ पर देखिए बीच के फंदा के नीचे से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। 4 फंदा सीधा, 5 सेम होल से एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। 2 फंदा सीधा बुन लेंगे। चेन सिलाई उल्टा साइड, जैसे हम सेकेंड सिलाई बुनी है उसी तरीके से बुनना है। एक्स्ट्रा फंदा को बिना बुने हुए उतारेंगे, बाकी फंदा को उल्टा बुन लेंगे। तो 1 से लेकर के 8 सिलाई बार बार रिपीट होगा। Thanks for watching.